हेलो गाइस, तो आज मैं अपना ब्लॉग लेकर आ चुकी हूँ। मैंने नहा धो लिया है और ये मैं पूजा कर रही हूँ। मैं पूजा करते हुए नहीं बना पाई थी गाइस, तो मैंने बाद में बना लिया था। और ये मैं रूम में आ गई अपने। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। मैं तैयार हो गई, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। ये है चना रोटी चाय, आज नाश्ते में था गाइस, तो मैंने नाश्ता किया। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी ये है आपके लिए गाइस, इंजॉय। एंड अब फिर कुछ देर बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने। ये मैं लंच बना रही हूँ गाइस, दाल चावल सब्जी रोटी है। सब्जी चावल रोटी बनाई थी गाइस, तो मैं ये रोटी बना रही हूँ गाइस। तो ये है मेरा किचन, आप देख सकते हो कैसा है किचन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ये है मेरा ब्लॉग गाइस, अगर मैं आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये डे टू डे मेरा रूटीन है गाइस। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ गाइस, तो कमेंट ज़रूर करें। तो मैंने ये इनका टिफ़िन भी पैक कर लिया है। अब टिफ़िन पैक करने के बाद मैं कर रही हूँ, अब मैं इनको टिफ़िन देने भी जाऊँगी। अभी मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। यहाँ कॉलोनी है तो कॉलोनी में वो टिफ़िन देने जाती हूँ गाइस। यहाँ मैं रोटी वगैरह सीट पर रखती हूँ ताकि वो रोटी वगैरह ख़राब ना हो। तो मैंने इनका टिफ़िन पैक कर लिया, ये स्पून है इनका। मैंने इनका टिफ़िन पैक कर लिया है एटमोस्ट। अब टिफ़िन पैक करके मैं जाऊंगी नीचे टिफ़िन देने। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो ये मैं आ गई नीचे टिफ़िन देने गार्ड सर को। तो फिर गार्ड भैया को मैं टिफ़िन देने आ गई। ये देख सकते हो गाइस, ये है नीचे ग्राउंड मेरा। यहाँ पे बहुत सारी क्यारियाँ लगी हैं गाइस, शायद इस वीडियो में नहीं है, मैं कभी बनाऊँगी उसका भी ब्लॉग गाइस। तो ये मैं आ गई हूँ इनको खाना देने। एंड कि देखिए ये लोग, और लोग भी हैं कॉलोनी में तो वो लोग भी खाना देने आते हैं। मैंने ये गार्ड सर को खाना दे दिया। अब मैं ऊपर आ रही हूँ, अब मैं अपने रूम की तरफ आ रही हूँ गाइस। ये मेरा सामने वाला ही मेरा रूम है, अभी आप देख सकते हो गाइस, ये है मेरा रूम, ये सामने ही मेरा रूम है गाइस। अब मैं आ गई अपने रूम में, बस मैंने आप फिर आके बैठा, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की गाइस। थोड़ी सी पढ़ाई की मैंने, ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ है गाइस। पढ़ाई का रूटीन तो एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 घंटे एटलीस्ट निकाल लूँ पढ़ाई के लिए। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं मैथ्स और DSSB के लिए मैथ्स कहाँ से करती हूँ, इवन TGT के लिए मैथ्स कहाँ से करती हूँ, तो एक लवी सर मैथ्स करके है और एक सैंकी सर मैथ्स करके है, जो कि गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हीं से क्लासेस लेती हूँ, मेरा होम ही घर से ही मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं कोई कोचिंग नहीं करती हूँ गाइस। उनकी क्लासेस रियली में बहुत अच्छे होते हैं, बस हमें मेहनत करने की थोड़ी नीड होती है। आई थिंक मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। और एक ब्रिजवासी मैथ्स करके भी है, अगर आपको वो चैनल अच्छा लगे तो आप उधर भी विजिट कर सकते हो। लेकिन गाइस ये दोनों भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं पर्सनली इनसे क्लासेस ले चुकी हूँ। तो पहले मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो मैं ब्रिजवासी मैथ्स से क्लासेस लेती थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। तो ये स्टार्ट से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इनके प्लेलिस्ट वगैरह, सैंकी सर मैथ्स की प्लेलिस्ट है पेपर 2 के लिए, तो आप उसे ज़रूर करें। और पेपर 1 के लिए लवी सर मैथ्स करके है आपका, तो आप लवी सर मैथ्स करके उसे ज़रूर करें गाइस। ये है, तो ये है मेरा रूटीन आज का। ये मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, कुछ देर मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा टाइम कल निकाला हुआ था तो मैंने पढ़ाई कर ली कल। फिर पढ़ाई करने के बाद गाइस 1 से 2 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली कल। फिर पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने लंच वगैरह भी किया, आप देख सकते हो। अभी मैंने पढ़ाई भी ये सैंकी सर हैं तो आप इनकी वीडियोज़ देख सकते हो गाइस। और ये है मेरा खाना, अब लंच में करने जा रही हूँ, सब्जी चावल रोटी प्याज है। तो ये लीजिए, ये आपके लिए गाइस, कैसा है, डिलीशियस है, टेस्टी है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये मैं आ गई अब नाइट में, नाइट का मैंने डिनर क्या बनाया था वो मैं अपने ब्लॉग में नहीं डाल पाई। ये ग्राउंड गाइस जो मैं दिन में आपको नहीं दिखा पाई थी, ये मेरा ग्राउंड। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।